आजसू प्रमुख सुदेश महतो के बयान से एनडीए में मची खलबली। क्या एनडीए गठबंधन टूट जाएगा? क्या 2019 के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार फिर बीजेपी और आजसू अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? हम ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब तक सीटों को लेकर औपचारिक बैठकें भी नहीं हुई हैं। सीटों को लेकर अभी जो है वो मीटिंग की शुरुआत नहीं हुई, उससे पहले ही सुदेश महतो एक कार्यक्रम में पहुंचे और ये ऐलान कर दिया कि फला आदमी हमारे प्रत्याशी होंगे। उसके बाद उस विधानसभा के भाजपा नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया, यहां तक कि वहां से बीजेपी कोटे से पूर्व विधायक ने भी विरोध किया और कहा सुदेश महतो को इस तरह के बयानबाजी से बचनी चाहिए, इससे एनडीए गठबंधन पर असर पड़ेगा। आखिर वो कौन सा विधानसभा है जहां से सुदेश महतो ने अपने प्रत्याशी का बिना बीजेपी आलाकमान से बात किए हुए ऐलान कर दिया? इसका एनडीए गठबंधन पर क्या असर होगा? बीजेपी और आजसू के बीच रिश्ते कैसे रहे ये बताने की जरूरत नहीं है। 2019 के विधानसभा चुनाव को याद करिए जहां बीजेपी और आजसू के बीच सीटों को लेकर समझौता नहीं हो पाया और बीजेपी आजसू अलग अलग चुनाव लड़े और दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि राज्य में अब भी दोनों विपक्ष में बैठी हुई है। अगर भाजपा आजसू साथ में चुनाव लड़ती तो वो सरकार में होती। अब आपको बताएंगे हमारे साथी विवेक पांडे। इससे पहले एक और आपको एंगल बता देते हैं, एनडीए खेमे में एक और दल जेडीयू की एंट्री हो रही है। हालांकि पिछले 2014 हो या 2019 से बीजेपी ने जेडीयू को साइड किया और आजसू को अपने साथ लिया, लेकिन अब जब जेडीयू केंद्र में एक मजबूत भूमिका में है, सहयोगी के तौर पर है, अगर जेडीयू जो है अपना पैर पीछे करती है तो फिर मोदी सरकार जो है केंद्र में गिर भी सकती है। ऐसे में अब जेडीयू ने ऐलान कर दिया कि एनडीए फॉल्ट से जो है वो झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर भी जो है आजसू की सीटें घट सकती हैं, तो क्या वाकई में बीजेपी जेडीयू को एनडीए खेमे में शामिल करेगी? और इस वक्त बीजेपी आजसू के बीच में क्या कुछ हो सकता है, बयानबाजी का क्या कुछ असर पड़ेगा, आपको बताएंगे हमारे साथी विवेक पांडे। 2024 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और आजसू के बीच में सीट बंटवारे को लेकर तस्वीरें अभी साफ नहीं हुई है। हालांकि आपको बता दें कि सुदेश महतो और शिवराज सिंह चौहान जो कि भाजपा के झारखंड चुनाव प्रभारी है, इन दोनों के बीच में एक मुलाकात हो चुकी है। आपको बता दें सुदेश महतो का एक बड़ा बयान 14 जुलाई को चांडिल के भादुडी में निकल के सामने आया। इसके बाद झारखंड के राजनीति में और वहाँ कि लोकल राजनीति में जो है वो हम कहे तो तूफान सा आ गया है। क्या कुछ कहा है सुदेश महतो ने ये हम आपको बताते हैं। सुदेश महतो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप सभी के सामने हरेलाल महतो आजसू के प्रत्याशी के रूप में सामने आएंगे, इसी के साथ साथ एनडीए के प्रत्याशी के रूप में वो विधानसभा चुन के जाएंगे। ये बयान सुदेश महतो का निकल के सामने आया चुल्हा प्रमुखों के विधानसभा स्तरीय बैठक में। इसके बाद से भाजपा की जो लोकल टीम है वो इसका विरोध कर रही है। क्या कुछ कहा है भाजपा के लोकल नेताओं ने वो आपको बताते हैं। तो आपको बता दें भाजपा के ईचागढ़ के पूर्व विधायक मलखान सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी की परंपरागत सीट रही है ईचागढ़, इस पर बीजेपी अपना दावा नहीं छोड़ेगी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि सरायकेला के भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा है आजसू प्रमुख का बयान गठबंधन धर्म के लिए अनुकूल नहीं है। इस तरह का बयान कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। तो ये बयान भाजपा के लोकल नेताओं के तरफ से निकल के सामने आया, लेकिन आपको ये बता दे कि सुदेश महतो ने साफ साफ इशारा किया है कि वो ईचागढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाना चाहते हैं अपने प्रत्याशी को। ये इशारा सुदेश महतो के तरफ से तब किया गया है जब सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी तरह का अभी बातचीत जो है वो दोनों दलों में शुरुआत बातचीत की नहीं हुई है। आपको हम 2019 के चुनाव में लेके चलते हैं कि आखिर 2019 के चुनाव में क्या कुछ हुआ था जब भाजपा और आजसू का गठबंधन टूटा था। आपको हम बता दें कि 2019 में जितने प्रतिशत वोट भाजपा और आजसू को मिले थे उसको हम मिला दें तो वो होता है 42.5%, और जेएमएम अलायंस को जो वोट मिले थे जो अब इंडिया अलायंस है वो होता है 35.40%। मतलब अगर 2019 में
भाजपा और आजसू साथ आ जाते तो उनको जेएमएम अलायंस से ज़्यादा वोट प्रतिशत मिले थे। अब हम सीटों की भी चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से सीट हो सकते हैं थे जो भाजपा और आजसू के निकल सकते थे अगर दोनों साथ मिलकर लड़ते। आपको बता दें कि भाजपा को 9 सीटों का फायदा मिला था। आप सभी को पता है कि 25 सीटें भाजपा को 2019 के चुनाव में मिली थी अगर भाजपा और आजसू साथ मिलकर लड़ते तो 9 सीटों का फायदा होता। आपको बता दें कि आजसू 2 सीटों पर जीती थी लेकिन भाजपा और आजसू मिलकर चुनाव लड़ते तो 6 सीटों पर आजसू जीतती। अगर इन आंकड़ों को टोटल हम कर दें तो 40 सीटों पर जो है वो भाजपा आजसू गठबंधन को फायदा होता। अब हम सीटों की चर्चा करते हैं। मधुपुर, डुमरी, जुगसलाई, जामा, नाला, ईचागढ़, लोहरदग्गा, बड़कागांव, रामगढ़, घाटशिला, खिजड़ी, चकरधरपुर, गांडे, ये वो सीट है जहां पे बीजेपी और आजसू 2019 में साथ में लड़ते तो उनको फायदा होता। इसके अलावा सरायकेला, तमार, जरमुंडी, मांडर, मनोहरपुर, सिमडेगा, ये भी वो सीटें हैं जहां एनडीए अलायंस साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो उनको फायदा होता 2019 में। अब आगे की जानकारी हमारे साथ थी हिमांशु जी आपको देंगे। हिमांशु जी, तो ये थे बीजेपी और आजसू के बीच के रिश्ते। अब इंडिया गठबंधन के अंदर भी कम घमासान जो है वो नहीं मचा हुआ है। जेएमएम और कांग्रेस जो है वो आमने सामने है। जेएमएम का ये कहना है कि लोकसभा चुनाव हेमंत सोरेन के चेहरे पर लड़ा गया, भले वो जेल में थे लेकिन केंद्र बिंदु पर वही थे। और कांग्रेस 7 सीटों पर लड़ी, जेएमएम 5 सीटों पर, यानी लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के नाम पर वोट मिला लेकिन फिर भी जेएमएम ने सेक्रीफाइस किया। लेकिन अब कांग्रेस को त्याग करना चाहिए और जेएमएम जो वो कह रही है कि वो 50 से ऊपर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पिछली बार जितने सीटों पर चुनाव लड़ी उसमें अब जो है वो 3 सीटें और मांग रही है, जिसमें मांडू, मांडर और जो पढ़िया हाट की सीट है वो जो है कांग्रेस मांग रही है। आखिर जेएमएम कांग्रेस के बीच चल क्या रहा है? आखिर क्या ये गठबंधन पर असर तो नहीं पड़ेगा? क्या कुछ समीकरण है? आपको बताएंगे हमारे साथी विवेक पांडे। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम 43 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 30 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 16 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। अब कांग्रेस के पास 3 सीटें दल बदल के माध्यम से है, मांडर, पौड़ैयाहाट और मांडू। आपको बता दें लोकसभा चुनाव में जेएमएम 5 सीटें लड़ी थी और कांग्रेस 7 सीटें लड़ी थी। अब जेएमएम का दावा है 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का। आपको बता दें कि कांग्रेस भी 33 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसी के साथ राजद और माले को भी सीटें चाहिए। आपको बताते चले कि इंडिया अलायंस में 8 सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। इसमें जेएमएम और कांग्रेस के बीच पलामू की भवनाथपुर सीट, खूंटी की तोरपा सीट, रांची विधानसभा सीट, हजारीबाग की मांडू सीट और संथाल की पौड़ैया सीट है। इसी के साथ साथ कांग्रेस और राजद के बीच में पलामू की विश्रामपुर सीट को लेकर जो है वो कांग्रेस और राजद आमने सामने है। जेएमएम और आरजेडी जो है वो बरकट्टा सीट पर अड़े हुए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि ये वो सीटें हैं जिनको लेकर कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम के बीच में खींचतान चल रही है। अब ये देखना होगा कि ये सामंजस्य जो है वो कैसे इन दलों के बीच में बैठता है और आगे की रणनीति क्या होती है। सीट शेयरिंग को लेके आने वाले दिनों में स्थितियां साफ हो जाएगी। तो आपको हमने जानकारी दे दी है कि आखिर कैसे सुदेश महतो के एक बयान से जो रिश्ते हैं उसमें खटास आती हुई दिख रही है। भाजपा के कई स्थानीय नेताओं ने विरोध कर दिया है। ये सिर्फ एनडीए के अंदर हालात नहीं है, जेडीयू की एंट्री भी है। तो कहा जा रहा है कि जेडीयू को कुछ सीटें देना चाहेंगी तो फिर आजसू की सीटें घटेंगी और आजसू जो है ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होगी। तो क्या आजसू बीजेपी गठबंधन में रहेगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में भी जेएमएम कांग्रेस जहां ऊपर से काफ़ी रिश्ते अच्छे दिखते हैं, कोई बयानबाजी नहीं होती है खिलाफ में, लेकिन अंदर ही अंदर सीटों को लेकर जो है वो मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि अंतिम फैसला जो है वो आलाकमान को करना है, लेकिन इस वक्त प्रदेश स्तर के नेता जो है बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरफ जेएमएम 50 से ज़्यादा सीटों पर दावा ठोक रही है, वहीं कांग्रेस से पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है कितनी सीटों पर किसकी दावेदारी बनेगी? अंतिम फैसला सीटों को लेकर क्या कुछ होगा? पार्टी
किस सीट पर जो है मान जाएगी, कितनी सीटों पर, आपको जो कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।